जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली, जिस प्रकार से अपने चैनल का नाम है फौजी मैथ एकेडमी, तो आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैथ को हल करने का आपका आसान तरीका कौन सा है, रीजनिंग और मैथ के लिए आपकी जो पढ़ने की जो स्किल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको मैथ के क्वेश्चन हल करने चाहिए। गारंटी मेरी आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको इस प्रकार से तरीके बताऊंगा कि उसके बाद में आप एक बार उन तरीकों को यूज़ कर लीजिए जब आप मैथ मिलाते हो, मैथ के क्वेश्चन हल करते हो, गारंटी है मेरी उसके बाद में आप मैथ को इतना इजीली और इतना माइंड में। आपको पता है कि कई लोगों को मैथ ऐसे लगता है जैसे उनके सर पे हैमर से मार रहे हैं, मतलब हथौड़ा मार रहे हैं उनके सर पर। क्यों? जैसे मैथ के क्वेश्चन देखते हैं उनका सर ना 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 करने लग जाता है। उसका क्या रीज़न है इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो देखना दोस्तों। साथ ही मैंने बता रखा है एसएससी जीडी की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसका वो जो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, मोटिवेशनल वीडियो है, शानदार, जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग को आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। चलो रीजनिंग को साइड में करते हैं, पूरी बात करते हैं इस वीडियो में मैथ की, मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करनी चाहिए। आपको एक बार इसको फॉलो करना है जिसे मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार करना है। आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, एक महीना एक इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद में आप देखिए आपकी मैथ करने की स्पीड किस प्रकार से बन जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि जब भी आप कोई मैथ का क्वेश्चन करते हो या कोई भी पेपर सेट करते हो, अगर आप पहली बार मैथ की किताब ले रहे हो या पहली बार आप मैथ की तैयारी कर रहे हो या पहली आपकी वैकेंसी है और ये आपकी पहले से भी आप तैयारी कर रहे हो लेकिन मैथ आपको समझ में नहीं आ रही, उसका रीज़न क्या? आप देखिए कहीं भी ऑनलाइन आप टीचर जो आपको पढ़ाते हैं या आप कहीं कोचिंग सेंटर में, वो क्या क्या सटासट बताते हैं आपको पता नहीं चलता, कि कई बार आप उसको कैच भी नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता कि आप उसको वहाँ तो कैच कर लेते, कैसे कैसे किया, उसी क्वेश्चन को आप घर पर जाके करोगे या अपनी बुक से करोगे आप फिर फंस जाओगे, कैसे किया था। ये 80% लोगों के साथ होता है। आप जब ब्लैक बोर्ड पे या मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ कोई चीज़ तो आप समझ जाओगे उसको, या 50% समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि स्पीड से, कि भाई ये चीज़ तो इसको पता ही होगी, लेकिन होता क्या है कि वो चीज़ आपको पता नहीं होती। जैसे बेसिक कोई अगर चीज़ है कि अगर मैं किसी फॉर्मूले को खोल रहा हूँ किसी को, तो वो मैं सोचता हूँ इनको पता होगी बच्चों को, होता क्या कि 50% को पता होती है, 50% को तो वो पता भी नहीं होती कि फॉर्मूला खोलने का तरीका क्या है या इसको किस प्रकार से खोलते हैं, इस सूत्र को किस प्रकार से खोलते हैं, ये आपको पता ही नहीं होता है। और आप हाँ में हाँ मिला के वहाँ हाँ हाँ आ गया समझ में सर, आ गया समझ में सर, या ऑनलाइन में तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के आपको लगता है कि हाँ नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ मैथ बहुत ही रुचि वाला सब्जेक्ट है। अगर मैथ मिलाने में अगर आपकी आदत पड़ गई, आप एक बार अगर मैथ की बुक को आप लगा हो गया ना, उसके बाद में आप में गारंटी है मेरी आप जीके वीके को नहीं पढ़ोगी, साइड में कर दोगे, मैथ ही मिलाते रहोगे हर टाइम। तो करना क्या है कि जब भी आप कोई मैथ का क्वेश्चन लो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको जैसे प्रश्नावली ओपन करो उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आपको उनको मिलाना है और उनको इतने अच्छी तरीके से करना है। पहले क्या करना है, अगर आप जैसे एक क्वेश्चन लेते हो, जैसे मैं बोल देता हूँ जैसे कोई क्वेश्चन कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिनका औसत भार 50 केजी है, दूसरी क्लास में 25 लड़कियाँ जिनका औसत भार 30 केजी है, तो दोनों क्लासों के मिला के कुल मिला के औसत भार क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, अब अगर आप जैसे ये बुक में देखा और आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता, आपने उस प्रकार से उस क्वेश्चन को नोट कर लिया और कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है कि बुक को वहीं छोड़ना है, आपके नोट पेन से अपने खुद के पेन से एक खुद उसी प्रकार का क्वेश्चन आप खुद बनाइए, सेम टू सेम क्वेश्चन आप अपने मन से बनाइए, एक बनाइए दो बनाइए उस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि बुक वाला क्वेश्चन तो भले ही आप भूल जाओगे लेकिन आपके मन से जो आप क्वेश्चन बनाओगे ना वो कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, ये गारंटी है मेरी 100%। अब ये तरीका आपको सभी क्वेश्चन में लगाना है, चाहे आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करें, जैसे अगर आप वर्ग याद करने का जैसे पाई आर स्क्वायर सूत्र है, तो एक बार आप में बुक में देखना कि 7 मीटर इसकी आर है यानी त्रिज्या है, इसकी परिधि इतनी है, उसको हल करना है। फिर सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन अपने मन से बनाना है, उसकी 14 मीटर त्रिज्या लो या 22 मीटर 21 मीटर 24 मीटर खुद से वो एक क्वेश्चन नया बनाना है और करना है उसको हल। जो आप बुक वाला फिर भी भूल जाओगे लेकिन जो खुद के दिमाग से जो क्वेश्चन बनाओगे वो कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी। इस प्रकार से आपको मैथ को हल करना है। दूसरा, जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन करते हो तो उनको इस प्रकार से आप पता चल जाएगा, जैसे हार्ड क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन का बेसिक लेना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप जहाँ तक कर पाते हो पहले खुद से करना, फिर अगर आपको नहीं हो रहा आप बुक से देखिए और हल कर दीजिए। सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन आपको खुद को बनाना है अपने दिमाग से, तो होगा क्या उससे कि जो क्वेश्चन आपने बुक में देखा वैसा क्वेश्चन अगर आप खुद से बना दोगे तो आप क्वेश्चन बना दोगे तो हल भी बना दोगे, ये गारंटी भरी, क्योंकि खुद का क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी दे देता है ना, तो वो स्कीम बहुत अच्छी आती है। आप एक बार एक महीना थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा, वक्त भी है आपके पास में, अगर आप पहली बार तैयारी करें और किसी भी बार, अभी कोई वैकेंसी की जल्दी एग्जाम है नहीं, वक्त भी है, एक बार आप 15-20 दिन इस प्रकार इस फॉर्मूले को कर लीजिए, जो जो प्रश्नावली आपको हार्ड लगती है, जो जो क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, गारंटी है मेरी, यानी 100% गारंटी है मेरी, उसके बाद में अभी कभी नहीं भूल जाओगे, ये गारंटी है, लिख के दे दूंगा।
एक बार ये फॉलो कर लीजिए, उसके बाद में याद करोगे आप मेरे को एक बार फॉलो करके, और फिर ज़रूर बताना मेरे को कितना इफेक्टिव होता है ये तरीका।